हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 9 जो कि एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और अगर आपने फंक्शंस ऑफ आरबीआई अच्छी तरह किया हुआ है तो ये चैप्टर में आपको कुछ नया मिलेगा ही भी नहीं। हम ऑलरेडी एक्सेस डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं और फंक्शंस ऑफ आरबीआई हम लोग आरबीआई वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उन दोनों का मिक्सचर है ये चैप्टर, ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत ईजी है और बिलीव मी, मुझे इसके स्लाइड्स बनाने में भी सबसे कम टाइम लगा अब तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को, ऑब्वियसली क्यों एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और उसको काबू कैसे किया जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था एक्सेस डिमांड तब होती है ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ, तो पूरी कंट्री की बात होगी। जब कंट्री की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। तो एक्सेस डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें बस कुछ और एक दो आपको कीवर्ड्स जोड़ने हैं जो कि है एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है। हमें पता है इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का जहाँ होता है इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं वो सारे लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अब एक्सेस डिमांड तब है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेस डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये दो आपको सेंटेंसेस याद रखने, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से एंड करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। तो ये जो एक्सेस डिमांड का ग्राफ है ये थोड़ा नहीं पूरा ही मिलता है फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ग्राफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। तो ये हमारा 45 डिग्री पे एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम जो भी इसको कहिए, ठीक है, दोनों ही सेम है। और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये जो पॉइंट है ई, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं वो सारे लोग काम करें, एफिशिएंटली काम करें और इस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम हासिल होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या होता है एक्सेस डिमांड में, डिमांड हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये तो रहेगा ही, एग्रीगेट सप्लाई सेम का सेम है। ये था इक्विलिब्रियम और ये था हमारा एक्सेस डिमांड, मतलब ये था हमारा इक्विलिब्रियम वाला डिमांड और ये हमारा एक्सेस डिमांड। तो इसमें देख सकते हैं ये पॉइंट था हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड की, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है, या ज़्यादा कितना है डिमांड। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा एग्रीगेट डिमांड जो कि इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है और ये हमारा एक्सेस है। तो कितना एक्सेस है ये डिसाइड, ये है हमारा डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये है एक्सेस डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इट रिफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और ये हमारा वो एग्रीगेट डिमांड जिसमें इक्विलिब्रियम होगा। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड हमें इन्फ्लेशनरी गैप देता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं साफ साफ ये इतना सा, ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एक्चुअल डिमांड। तो इसमें जो भी डिफरेंस आ रहा है वो है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, चलिए इन लोग को देखते हैं। अब बात करते हैं रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड की, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स क्या कहते हैं, हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स इन सिंपल देखा जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम में जो कंपोनेंट्स थे वही कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के थे, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट था नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यही चार कंपोनेंट आते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड में भी। अगर हम लोग बात करें डिमांड बढ़ाना, एक्सेस डिमांड की बात करें, डिमांड बढ़ जाना, तो अगर हम इन चारों चीज़ को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हाउस होल्ड अपना कितना परसेंटेज ऑफ इनकम को कंज्यूम करते हैं, उसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरा कॉम्पोनेंट था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ने भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो उससे भी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ज़्यादा डिमांड करने लगेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगा ही ना। जब गवर्नमेंट ज़्यादा अपना खर्च करेगी तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ आएंगी, तो डिमांड बढ़ जाएगा। फिर आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि कुछ नहीं था, इन्वेस्टमेंट था। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना मतलब डिमांड को बढ़ाना, हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। और फिर था नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हम लोग ज़्यादा अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ के सामान की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर राइज इन एक्सपोर्ट से हमारी डिमांड बढ़ती है तो इम्पोर्ट उसका ठीक उल्टा है। तो अगर इम्पोर्ट्स हम लोग कम कर दें तो ऑब्वियसली अगर बाहर से हम लोग सामान कम मंगवाएंगे तो हम लोग को जो अपना नीड पूरा करना होगा वो कहाँ से करेंगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी से करेंगे ना। अपने कंट्री में जितना भी लोकल हैं या फिर जो भी लोग हमारे यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ बेच रहे हैं, उन लोग से डिमांड करेंगे। और एग्रीगेट डिमांड तो इन एंड इकोनॉमी बताता है ना। तो अगर हम लोग इम्पोर्ट्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आती है कि जब गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज़ कर देती है, जब गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज़ करेगी तो हमारे जो भी गुड्स प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइसेस कम हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस कम होंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब थे आपके रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। क्या क्या थे? सबसे पहला तो आ गया राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और राइज इन एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा फॉल इन इम्पोर्ट्स, ठीक है, राइज इन एक्सपोर्ट्स का ठीक उल्टा फॉल इन इम्पोर्ट्स, और रिडक्शन इन टैक्सेस। ओके, तो ये सब थे आपके रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड की। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड की। ठीक है, अब हमारे इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, अब हम लोग उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए एग्रीगेट डिमांड फुल जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे बन रहा है, मतलब जितने लोग काम कर सकते हैं और काम करना चाह रहे हो सारे लोग काम कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेस डिमांड से आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, और प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट पे। हम लोग जानते हैं कि जितने लोग काम करना चाह रहे हो काम कर सकते हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो हमारा फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा कहाँ से, तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आउटपुट वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक जैसे हमने ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में बात किया था। और अगर जितने लोग काम करना चाह रहे हो काम कर सकते हो सारे लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट में वही का वही रहेगा। चेंज किस में आएगा, वो आएगा प्राइस लेवल में। प्राइस लेवल हो जाएगा इंक्रीज, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन, आपको वो ध्यान रखना। इन्फ्लेशनरी गैप था एक्सेस डिमांड में, इन्फ्लेशनरी गैप दिखाता है, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब डिमांड हम लोग कर रहे हैं 10 की, सप्लाई हो रहा है 6 का। अगर सप्लाई कम है तो जो थोड़े मोड़े हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि बहुत सारे डिमांड करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा देगा हम उसी को बेचेंगे, इसलिए प्राइस लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सेस डिमांड। आउटपुट पे नो इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट पे नो इफेक्ट, क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जितने लोग काम करना चाह रहे वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और प्राइस लेवल क्या है कि हम लोग 10 का डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई है 6, तो जो सबसे ज़्यादा, जो सप्लायर क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा देगा उसको बेचा जाएगा, इसलिए इन्फ्लेशन हो जाता है और सब यहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, एक्सेस हो चुकी है, अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या ध्यान में रखना है, एक्सेस डिमांड एक तरीके से बता रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ चुका है। तो पैसा का वो कंट्रोल कौन कर सकते हैं? एक गवर्नमेंट कर सकती है, दूसरे कर सकते हैं आरबीआई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जो कि उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसमें हम लोग गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को देखते हैं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी, और हमने देखा था कि एक्सेस डिमांड का एक रीज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, अब ऐसे तो एक्सेस डिमांड कम करने के लिए गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बट गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो हमारे बेनिफिट के लिए कर रही है आखिर। ठीक है, तो उसको इस हद तक कम करना पड़ेगा कि हमारा बेनिफिट में कोई रुकावट नहीं है, और प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू फंड्स का यूटिलाइजेशन सही से और वेस्टेजेस को कम करके जितना कम हो सके उसको गवर्नमेंट को अपना स्पेंड करना पड़ेगा डिमांड को कम करने के लिए। तो ये था गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, अब हमें पता है कि मनी का जो मेन करता धरता है, ठीक है, वो होता है आरबीआई। तो आरबीआई का जो फंक्शन है, जो हमने उस वाले वीडियो में देखा था जब हम लोग आरबीआई के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपने फंक्शन ऑफ आरबीआई अच्छी तरह आपको पता है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो दूसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब कि ये डिफरेंस है कि मार्केट वैल्यू क्या है और बैंक्स कितना परसेंटेज ऑफ उस मार्केट वैल्यू के लोन्स दे सकती है। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने 40% रखा हुआ है। ठीक है, 40% मार्जिन रखा हुआ है। अब उसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया, 60% मार्जिन रख दिया। जब पहले 40% था तो बैंक क्या कर सकती थी, 60% ऑफ सिक्योरिटी के वैल्यू तक का लोन दे सकती थी, मतलब 100 रुपीज़ है तो 60 रुपीज़ तक लोन दे सकती थी। अब क्या हुआ है कि आरबीआई ने क्या किया कि वो 40% से 60% कर दिया मार्जिन। ठीक है, तो अब क्या है कि जब 100 रुपीज़ का सिक्योरिटी है तो बैंक से उसको 40 रुपीज़ तक का ये लोन दे सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि लोग जो है लोन कम लेंगे, मतलब डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो कंट्रोल में आ जाएगी। फिर दूसरा है मॉरल सुज़ेन। मॉरल सुज़ेन मतलब कि आरबीआई जो परसुएशन पावर या प्रेशर के थ्रू जो है या एडवाइस करता है बाकी कमर्शियल बैंक्स को कि आप लेंडिंग को डिस्करेज कीजिए। ठीक है, लेंडिंग को डिस्करेज कीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही लेंडिंग डिस्करेज होगी लोग कम लोन लेंगे तो डिमांड कम होगी। उसके अलावा आता है सिलेक्टिव क्रेडिट। सिलेक्टिव क्रेडिट मतलब कि आरबीआई कुछ इस तरीके की फ्लो ऑफ लाएगी या इस तरह की पॉलिसी लाएगी कि जो सेक्टर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, जिन सेक्टर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है उन सेक्टर्स को थोड़ा कम मिले। तो ये था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि जनरली क्वालिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल फिगर्स की बात नहीं हो रही थी। इसमें मॉरल सुज़ेन और सिलेक्टिव क्रेडिट परसुएशन और प्रेशर का ही हो गया। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से मिलता भी है। अब आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें आता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इंक्रीज इन एलआरआर। ठीक है, एलआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट एक वैसा रेट जिसपे कमर्शियल बैंक जो है पे करती है आरबीआई को। ठीक है, जबकि जब वो लोन्स लेती है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। तो मान लीजिए कि पहले था ये हमारा कमर्शियल बैंक्स, ये हमारे आरबीआई और ये हम लोग। ठीक है, तो पहले था बैंक रेट था 8%। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स हम लोग से कितना चार्ज करती थी, 12%। अब क्या हुआ, बैंक रेट 8 से बढ़ के हो गया 12% हो गया। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स हम लोग से कितना चार्ज करेगी, 16% या 14%, 18% जो भी है। तो इससे क्या हो कि हम लोग से ज़्यादा चार्ज कर रही है, क्यों, क्योंकि अब उसको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है आरबीआई को लोन लौटाने के लिए। तो उससे क्या हो कि जब हम लोग से ज़्यादा चार्ज करें तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लोन कम लेंगे तो डिमांड कम होगा। फिर उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई को राइट है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद या बेच सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो है पैसा कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कम करने के बारे में। तो तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज है उसको जो है बेच देगी कमर्शियल बैंक्स को। जैसे ही कमर्शियल बैंक्स को बेचेगी, कमर्शियल बैंक उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट किसको करेंगे? आरबीआई को करेंगे। आरबीआई को करेंगे तो उन लोग के पास से पैसा कम हो जाएगा। जैसे ही पैसा कम होगा वो लोग कम दे पाएंगे। कम दे पाएंगे मतलब लोग लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज इन एलआरआर, मतलब इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसमें लोग सीआरआर और एसएलआर के बारे में देखे थे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये एलआरआर को ही हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्स, जो कि कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं। ठीक है, अगर हम इस परसेंटेज को बढ़ा दें कि 6% से 10% कर दें कि आपको 6% की जगह 10% एलआरआर अपने पास रखना है। ठीक है, या अपने पास नहीं, 6% की जगह 10% आपको रिजर्व रखना है। ठीक है, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। तो इससे क्या हो कि ज़्यादा आप रिजर्व रखने लगा तो लोन देने के लिए थोड़ा कम पैसा हुआ। जैसे ही कम पैसा हुआ लोग लोन कम लेंगे और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सब रिवीजन भी हो गया हमारा। तो हम ध्यान रखिए, सिर्फ एक गवर्नमेंट कर सकती है और आरबीआई कर सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा एक्सेस डिमांड। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेफिसिट डिमांड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।